अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतीक इस्लाम। सब दोस्त कैसे हैं? अपने अपने तबीयत के बारे में, अपनी अपनी सेहत के बारे में सब दोस्त मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि पिछले 5 से 10 दिनों से मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी। मुझे वो कहते हैं पंजाबी में चुक पड़ी हुई थी, तो उसके इंजेक्शन लगवाए, आराम नहीं आया। एक बाबे से फिर मैंने चुक अपनी ठीक करवाई है, इसलिए मैं सेहत के बारे में सबसे पूछ रहा हूँ। पिछले 10 दिन मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो पहला विज़िट मेरा सात भाई के पास है। सात भाई मेरे दोस्त हैं, हाशर पोल्ट्री ट्रेडर के नाम से, यानी हाशर ट्रेडर के नाम से ये एक वेटरनरी स्टोर चलाते हैं, और इनकी शॉप शहर सादकाबाद की सबसे बेस्ट शॉप है। इनसे आल अहवाल करते हैं। साद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? ठीक ठाक। साद भाई आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है? एजुकेशन सर मैट्रिक है, उसके बाद बी फार्मेसी चल रही है, और बाकी इंशाल्लाह आगे रेगुलर रहेगा। साद भाई के फैमिली का काम है, यानी इनके वालिद साहब ये वेटरनरी स्टोर चलाते थे, और इनके बड़े भाई भी चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, तो इनका एक ख़ानदानी काम है। और इनकी शॉप माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मैं आपको कुछ देर के बाद विज़िट भी करवाता हूँ। इनसे कुछ गपशप करेंगे कि पिछले 2 साल से काम कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, काम अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन काम ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोरोना के बाद तो बिज़नेस काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहा है, लेकिन अब अच्छा ये बताइए कि लोग बर्ड्स में पोल्ट्री में ज़्यादा काम कर रहे हैं या जानवरों की मेडिसिन ज़्यादा बिक रही है? सर दोनों चीज़ें ही पीक लेवल पे हैं। अब हर बंदा इस चीज़ को आगे लेके आ रहा है कि यार हर बंदे के अंदर एक शौक पैदा हो रहा है, हर बंदा परिंदे रख रहा है, हर बंदा जानवर रख रहा है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर दूसरे बिजनेस कुछ कम हुए हैं, तो पोल्ट्री के हवाले से कुछ काम बढ़ा है, जानवरों के हवाले से कुछ काम बढ़ा है, लोग इस तरफ आ नहीं रहे, आपका क्या ख्याल है? हाँ, लोग इस तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसको छोड़ के भी जा रहे हैं। बात है समझ की, जो बंदा समझ जाए, जो इसको चला सके, वही बंदा आगे काम कर सकता है। जी आपने पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त बोला है, क्योंकि जैसे ही इंसान किसी यूट्यूबर से मानूस होके उससे उसकी बातें सुनकर इस काम में आ तो जाता है, लेकिन उसको यहाँ पे पता नहीं होता कि इसकी बीमारी में हमने क्या करना है, इसकी मेडिसिन कैसी है, इसको संभालना कैसे है, किस मौसम में कौन सी खुराक देनी है, ये सब चीज़ों का नहीं पता होता, और वो जैसे ही आता है वैसे ही वापस चला जाता है। लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं, वो मेहनत करते हैं और इस काम को कंटिन्यू रखते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं भी उनमें से एक हूँ। बिल्कुल। तो ये है कि मैंने चेंज किया था काम, लेकिन काफ़ी मायूसी हुई, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम को आगे चला रहा हूँ। और इस वक्त जी इनको शॉप पूरी विज़िट करवाते हैं आपको, और दिखाते हैं सादकाबाद में। सादकाबाद लोकेशन, ये बाज़ार का नाम बता दें आप। स्कूल बाज़ार सादकाबाद। स्कूल बाज़ार सादकाबाद में साद भाई की शॉप है। पूरी दुकान का एक वीडियो क्लिप मैं दिखाता हूँ, किसी भी भाई को रब्ता करना हो तो इसी हाशर ट्रेडर पर आप रब्ता करें, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और क्वालिटी कंट्रोल आपको मेडिसिन्स मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।